आदत पड़ी हुई ना लोगों को। तुम नागेंद्र जीता, मैंने कहा मुझे थोड़ी तो बस। नहीं आपका आप आज परंपरा आप ही ने बनाई है। परंपरा बनी खाना खिला रहा। दीदी भी आप ही को बोल रही हैं, हम क्या करें। वो बोल रही सर मेरे को नमस्कार करके क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा परंपरा आप ही बनाई हुई है। बिल्कुल चलो मैं दोनों को नमस्कार कर दूं। हम दोनों तुम्हें नमस्कार करते हैं। ठीक है ना जी, हम दोनों नमस्कार करके चलिए। दीदी ये दोनों के साथ फोटो इसको ताई के बगल में जाओ। ये फोटो ठीक रहा क्या नरेंद्र जी? बड़ा आशीर्वाद है। आप दिखे नहीं, आप आवा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं पहले से ही मैं आपके पीछे वाले में बैठा हुआ। बहुत दिनों के बाद ताई को ऐसे हंसते बोलते हुए देखा जी वहाँ चेयर पे, तो ताई देख जी जी तो फिट एंड वापस आए साइड पे। अच्छा बॉम्बे से? नहीं नहीं सिंगापुर से। मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ। ताई प्रणाम। प्रणाम ताई। नरेंद्र जी सिंगापुर भी गई अरे अभी कहाँ चले, हमने देखा ही नहीं। रविंद्र जी, रविंद्र जी बोल तो वो वीर चीफ ब्रीफ अभी तो वीर लोगों की बैठक होना है। क्या बुला लीजिए ना, चले चलते हैं, उनको जाना चाहते हैं। चलो ये आइए, ये जा रहे हैं ठीक है। धन्यवाद, गाड़ी कहाँ थी? बहुत बहुत मुझे नहीं हुआ क्या? अरे हुआ, वजन करके नहीं है मैंने आपसे। गाड़ी अच्छी आ गई, गाड़ी आ गई।
अरे सुनो भाई साहब जा रहे हैं, ये देखिए आ जाए छोटा आरी 13 साल का है, चेक कर रही है और ले आओ गाड़ी का। निकल जाइए गाड़ी तो आए गाड़ी गाड़ी किसी को बोलो जाए तो पर बुला आप राज जी का साथ दीजिए। ऐसा देखो आपको किसका ख्याल रखता है, बड़े भाई हैं तो ख्याल रखा जाएगा। आपका भी ख्याल है साहब, इसलिए तो कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए। नंदू भैया वाइट देना पड़ेगा लग रहा मुझे। मैं वो यहाँ छोड़ दे राकेश जी, मैं नंदू भैया कह रहा हूँ लगता है वाइट देना। नंदू भैया कुछ महाराष्ट्र चले यार, 2 मिनट बढ़िया बहुत बढ़िया गौरव, गाड़ी लिया वहीं वहीं खड़ी करो, वहीं खड़ी करो। सभी मित्रों को भाई 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 आप चले भोजन पर जाइए पहले पहले और एक बाइट दे दो। हाँ बाइट पूरे लोग और प्रेस वाले जितने अध्यक्ष जी ठीक भाई साहब आ रही होगी ना, मतलब फोन पे बात होगी। तो आप चाहे तो अंदर बैठ जाए ना, वहाँ बुला रहे हैं आता ही होगी तो मेरी भी आई रही होगी। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। संजय जी गाड़ी आपकी है आ रहा, ये तो अंदर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। आ रहा ना वो तो किस मैं चलो राकेश। अच्छा अच्छा जी नमस्कार, ठीक ठीक प्रणाम भाई ठीक साल में जी। गाड़ी लाइन पे चल गई चल गई चल गई। चलिए सचिन जी भोजन चलो तो करा दो, बाइक भी चलो भोजन पर आप भोजन नहीं कर पाओगे ना, लेकिन बगैर भोजन के जाने नहीं दूंगा, नहीं बगैर भोजन के नहीं जाने दूंगा। पहले ट्राई कर लो पहले भाई, पांच पहले भाई बाइट बाइट पहले बाइट पहले बाइट कर लो ताकि हम आ रहा है भैया। आप एक काम करो, आप पहले खाना खिला दो, ऐसे सवाल पूछेगा कि आप खाना कैसे। जरा ये दरवाजे बंद करो यार, कोई नहीं जाएगा आज रात में यहाँ से। ठीक है ये चीजें बिना कैमरे के आप लोगों से सीखा। अब बातें आपसे करिए। हाँ लीजिए लीजिए। सर मध्य प्रदेश सांसदों की बैठक हुई है यहाँ पर, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी यहाँ पर बैठक में मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का बहुत पहले से गठन हुआ है, ये दल का एक संयोजक नियुक्त हुआ है। पहले आदरणीय ताई हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की संयोजक थी, लेकिन अब उनके स्पीकर बन जाने के बाद हमारे सांसद श्री राकेश सिंह जी उस संसदीय दल के संयोजक हैं और इस सत्र की यह बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी।
उस बैठक में जैसा कि हम हमेशा बैठ के अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं और संसद में हमारी भूमिका को हम और कैसे प्रभावी बनाएं इस बात पर चर्चा होती है, इससे अधिक कोई चर्चा नहीं होती। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद थे? कोई ऐसे जो हमारे हमेशा रूटीन में हर सत्र में हमारी ये बैठक होती ही है और इस बार चूंकि हमारे जो संयोजक है श्री राकेश सिंह जी यहाँ पर पहली बार इस बंगले में उन्होंने प्रवेश किया तो हमारे संसदीय दल के सांसदों के अलावा भी उन्होंने अपने व्हिप लोगों को और भी अपने जो संसद में मित्र लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था और भोज का ये आयोजन किया गया। सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में नजर नहीं आए? नहीं, उनको इस बैठक में बुलाया भी नहीं गया था, उनकी व्यस्तता होने के कारण हमारे हर बैठक में कभी वो आते नहीं हैं। सांसद लोग जो यहाँ रहते हैं वही इस बैठक में रहते हैं और आज भी उसी अनुरूप की बैठक हुई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कि क्या सभी सांसद लोगों को ये कहा गया कि आप उस पर ध्यान दें और वो केंद्र की जो योजनाएं वो लोगों तक पहुँचे, क्या इस प्रकार की कुछ बात की गई? नहीं, ये तो हमारी हमेशा जो चर्चा होते रहती है कि हमारी भूमिका को हम कैसे प्रभावी बनाएं, सांसद लोगों ने उन सब बातों पर चर्चा की। कहा ये भी जा रहा है मध्य प्रदेश संसदीय दल के इस स्वरूप को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सराहा और हर राज्य में इस प्रकार के संसदीय दल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना मंशा व्यक्त की है और कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश के संसदीय दल के इस स्वरूप को देखकर इसके गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आप भोजन कर सकते मेरे बारे में जो लास्ट इंटरव्यू वही है मैं क्या हूँ तो मेरे बारे में जो बोला वो लास्ट इंटरव्यू आप सोच के देखिए मेरे लिए तो इंटरव्यू नहीं वो ये इंटरव्यू बंद कर चुके थे वो मेरे लिए बोला कि किरण के लिए बोल रहे तबीयत ठीक नहीं रहती थी मेरे लिए तो भाजपा जी कहा कि किरण के लिए मैं जरूर बोलूंगा यही तो मेरे लिए हाँ मेरे लिए तो बहुत भाजपा जी का तो आपको बताऊं एक अंदर की बात क्या था क्या था आप लोगों का दिया हुआ घर है क्या पहले क्या इतना लेट कर दिया यार आपने आपने 9 बजे का टाइम दिया हम एक जगह चले गए सवा दस हो गए अनुराग आपके पीछे बैठे थे ये आपने सुनील बाबू हमको सुनील बाबू को लेट करा ये सारी टीम आपका इंतजार कर रही है अच्छा शोभा कम से इसी बड़े आ रहा है आप आइए क्या आपके सामने साहब आज आप आज जेट नहीं है साहब एक बात तो सही आ जाए बिजली गिरा रहे हो कहाँ गिरा के आए मुझे यहाँ भी भेजो सब पूछा कैसे हाउस चल रहा है बोले कैसे कम बैठे अच्छा राज्यसभा नहीं चल रहा है वो बैठ रहे थे स्कोर नहीं हो रहा है पॉइंट स्कोर नहीं हो रहा पर लोकसभा चल रही पार्लियामेंट्री फेयर मिनिस्टर में बिल भी पास हो रहा है जितना लोग बोलना चाह रहे हैं बोल भी दे रहे हैं राज्यसभा में तो बीआईएस वाले वही चार बजे बीजेपी क्या होता है जैसे ही आप बता देते हो ना तो चेहरे का अच्छा भाव व्यक्ति का ऐसा हो जाता है